क्लास ओपन में मैथ्स बुक्स एंड नोटबुक्स एक्सरसाइज नंबर 8B पेज नंबर 163। आज हमने इसकी करनी है ब्लैंक्स, ठीक है। न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करें, इसके हमने ब्लैंक स्टार्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स डैश। द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो यहाँ पे ब्लैंक में आप लोग लिखोगे एरिया, ठीक है, वो इसका एरिया होता है, ARE एरिया। सेकेंड है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश यूनिट्स। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो क्या, उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो उसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। थर्ड है इफ़ एल इज़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज डैश यूनिट्स एल स्क्वायर। जो लेंथ है वो डबल हो जाती है ना, मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल स्क्वायर जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ रेक्टेंगल एल एंड बी लेंथ 9 सेंटीमीटर ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इट्स एरिया इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर लेंथ जो है वो 9 है और ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। नाउ स्टार्ट विथ मी। आप लोगों ने कॉपी पे ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करना है, डी वाला पार्ट, फिर ब्लैंक्स आप लोगों ने करनी है, साइज नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर मुझे उन्होंने लेंथ दी हुई है, मैं सबसे पहले लिखूंगी लेंथ, लेंथ एल इक्वल्स 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ ब्रेथ बी इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है, उन्होंने मुझे 4 सेंटीमीटर दिया। अब एरिया मैंने फाइंड आउट करना है, मैं लिखूंगी एरिया, मुझे नहीं पता, अब एरिया फॉर रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, एरिया फॉर रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है आपके पास 9 सेंटीमीटर, लेंथ की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद 9 को 4 से मल्टीप्लाई, 9 × 4 = 36 आ गया, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो पावर प्लस हो गई, 1 + 1 = 2, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी बुक पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने बुक पे भी इसका आंसर लिखना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 आया ना आंसर, तो आपने लिखना है 36, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद उन्होंने कहा द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर। अब वो कहे कि एक यानी कि ना साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा स्क्वायर का, आप स्क्वायर का वो एरिया बताना है आपने। मैं बताऊंगी कैसे करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है आप लोग। सीधा कॉपी पर लिखना है क्वेश्चन जो आपको दिया था, एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड एस इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला, हमारे पास ये वैल्यू है, ये स्क्वायर है ना, तो हमने यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का है, मैंने लिखना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड, जो एक साइड है वही खुद से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, साइड 1 सेंटीमीटर है ना, तो मैंने साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर, तो 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूँगी, 1 × 1 = 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 1 और 1 = 2 प्लस हो गए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। आपने इसको बुक पर भी लिख देना है। आपका आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पर इधर लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। आप लोगों ने ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ अपनी कॉपीज पर भी करनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।